गोदाम बना जाए और आठ अजेरी एक अजेरी अजेरी मार दिया जाए जो कीट युक्त न हो। इसके लिए निर्माण प्रारंभ हो चुका है और 100 बेड का जो चिकित्सालय बनना है उसका भी निर्माण प्रारंभ हो चुका है। ये सारे कार्य समय से पूरे कर लिए जाएंगे। सर इस बार दूसरी बात आवर्जित कराने के लिए अपना कोटा दे अपना और आवेदन दे। ये सेंट्रल पूल का इकार आज के लिए प्रत्येक उम्मीदवार में चौथा उम्मीदवार देगा। प्रत्येक उम्मीदवार में आमंत्रण किया जाता है सेंट्रल आज सलाहकार समिति के सभी सम्मानित सदस्यों के साथ बैठक हुई है। सभी के द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। जो हमारी कार्ययोजना है मेले की, पुलिस की कार्ययोजना है, यातायात की योजना है, ये सब मेला सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उनके उसमें सुझाव भी आए हैं और उन्होंने जो बातें हैं उसको सुधार करने के लिए उन्होंने कहा है। तो हम लोगों ने उसमें समय सारणी भी प्रस्तुत किया गया था, तो सभी के बारे में अवगत भी कराया गया और ये एक निरंतर सिलसिला चलता रहेगा कि सभी संबंधित स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकें करते रहेंगे और मेले में उन लोगों को आबद्ध भी करेंगे और उनके माध्यम से जो पूर्व मेलों के अनुभव है उसको भी समझा जाएगा और उसको योजना में अंकित किया जाएगा। मेले में सर चार्ज को लेकर आज कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया यहाँ पे रेलवे और जो इस बारे में प्रत्यावेदन आए हैं उनको हम रेलवे विभाग के सामने प्रस्तुत किया है। उनके द्वारा नियमानुसार और उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने जो निर्णय लिया जाएगा उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। सर किस तरह के सुझाव हैं मेले के लिए? तो अभी मेले के सफाई व्यवस्था, खाद्यान्न वितरण, यातायात के लिए और मेले में जो आम श्रद्धालु आते हैं उनके लिए सुविधाओं के लिए और जो विभिन्न संस्थाएं स्थापित करती हैं मेले में बसावट उनके लिए सुविधाओं का क्षेत्र पर आवंटन के बारे में सुझाव आए हैं। ये सभी को सूचीबद्ध किया गया। ज़्यादातर जो सुझाव जो आए हैं पहले से कार्ययोजना बनी गई थी और उसमें दूर बैठकों में जो बात आई हैं उनका अनुपालन भी किया गया। अभी ये कोशिश की जाएगी कि 100% ये जो कार्ययोजना है उसको फ्रीज करते हुए आगे 3 महीने में क्रियान्वयन करते हुए मेला का बसावट सुनिश्चित किया जाए। ठीक है।